तो हे गाइस वेलकम बैक सो आज मैं इस वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ उन लोगों के लिए है जिनकी जॉब अभी लगी नहीं है काफ़ी टाइम से जो है वो मेट्रो सिटीज के अंदर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन बहुत सारा समय हो गया लेकिन ऐसा उनकी जॉब नहीं लग पा रही है दो में जाने वाला है दो आने वाला है जैसे दो आएगा तो आपके भाई लोग और भी इंजीनियरिंग करके पास आउट होके बाकी मेट्रो सिटीज़ के अंदर आ जाएंगे और आप अभी भी फ्रेशर के फ्रेशर ही बने हुए हो काफ़ी टाइम हो गया होगा मतलब ये वीडियो बेसिकली उन फ्रेशर्स के लिए है जो कि पास आउट होके जॉब के लिए या तो बैंगलोर जाते हैं मुंबई पुणे गुड़गांव दिल्ली नोएडा हर मेट्रो सिटी में जहाँ पे इंडियन एमएनसीज़ हैं और दूसरी एमएनसीज़ एनसीज हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर का काफ़ी स्कोप है वहाँ पे जाते हैं लेकिन उनकी यार जॉब नहीं लग पा रही है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में मतलब छः महीने से लोग जॉब प्रिपरेशन्स करते हैं पी में रहते हैं पी की स्ट्रगलिंग लाइफ से वो क्या होते है ना, सफर हैं ना सफ़र करते हैं है ना घर बार छोड़ के सब वहाँ पे बैठे हुए हैं मैंने जब मैं जॉब सर्च करता था, था ना 2013 में तब मैंने देखा था कि लोग जो एक, -एक साल से वहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हैं पीजी के अंदर अब तो वो ये बोलते हैं कि यार अब तो घर वालों ने भी पैसे भेजना बंद कर दिया हमारे लिए उसके बाद में ये लोग क्या होते हैं धीरे धीरे डिप्रेशन के अंदर जाते हैं घर वालों का प्रेशर रहता है जॉब नहीं रख रहते हैं और मेट्रो सिटी में क्या होता है ना धीरे धीरे आपके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं मेट्रो सिटी में सर्वाइव करना इतना ईजी नहीं होता है इसलिए जॉब की ज़रूरत सबको वहाँ पर पड़ती है अब सवाल ये आता है कि जॉब उठाएं तो कैसे उठाएं मतलब हम प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे हैं तैयारी भी हमारी अच्छी है परसेंटेज भी हमारे अच्छे हैं सब कुछ अच्छा है लेकिन हमें इंटरव्यू कॉल आती है लेकिन हमारे इंटरव्यू क्लियर नहीं होते हैं कहीं हो को तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती महीने में एक या दो कॉल आती है तो ये बहुत बड़ी एक सिचुएशन है मतलब कैसे जॉब लगनी है कैसे उठानी है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इस वजह से मैं भी गुजरा हूँ लेकिन मैंने उन फैक्टर्स को अप्लाई किया था अपने उस पीरियड में जिसकी वजह से मैंने बहुत ही कम समय में अपनी पहली जॉब उठा ली थी चलो मैं आपको एक खुल के बात करते हैं इसके ऊपर मतलब आपको सबसे पहले तो ये है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है कि मेरी जॉब लग जाएगी अगर आपने छः महीने का वेट किया है तो आप ये खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे जॉब लेके ही जाना है अगर आपने छ महीने का समय दिया है पैसा भी खर्च किया है हार्डवर्क भी किया है तो आपको जॉब लेके ही जाना है ठीक है अब कमी कहाँ रह रही है आपको उसके ऊपर फोकस करना है तो जो लोग पीजी के अंदर रहते हैं पीजी में काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है तो सबसे पहले तो आप पीजी में अपने टाइम को अपनी स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट करो मैंने देखा बहुत सारे लोग जब मैं पीजी में रहता था तो पीजी के रूम में ग्रुप बना के बैठ जाते थे और गोशिपिंग करते थे इंटरनेट के ऊपर जो भी सेंसेशन अभी चल रही है जो भी हॉट टॉपिक चल रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन होता था भाई तुम लोग इसके लिए नहीं आए हो यहाँ पे इसके लिए तुम्हारा घर अच्छा है वहाँ पे जाओ वहाँ पे करो ठीक है तो ये बंद करना है आपको क्या करना है सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है कि मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है चलो अब ये देखते हैं कि दो तो जाने वाला है इस समय दिसंबर एंड है और दिसंबर एंड में जॉब ओपनिंग्स काफ़ी कम होती हैं क्योंकि क्रिसमस का टाइम है न्यू ईयर का टाइम है तो काफ़ी जो लोग होते हैं ना वो छुट्टी पे रहते हैं और बाहर यूएस यूके के जो हमारी कंपनीज रहती हैं जो हमारे क्लाइंट्स रहते हैं वहाँ पे ये रेंट में क्या होते हैं ना लोग छुट्टी के ऊपर एक लंबी हॉलीडेज़ के ऊपर चले जाते हैं तो आपको ये फेज में क्या करना है ना तैयारी करनी है जब तो सारे लोग मज़े कर रहे होते हैं और आपको क्या करना है ना पढ़ाई करनी है स्टडी करनी है मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरे दिन स्टडी करनी है लेकिन आपको एक टाइम पीरियड देना है कि मुझे दिन में कम से कम चार घंटे की स्टडी करनी है क्योंकि आप फ्री हो पीची में चौबीस घंटे आपके पास में है अगर उस चौबीस घंटे में से अगर आप चार घंटे डेली रूटीन रखोगे और अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए दोगे तो शायद आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ठीक है तो अब ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि यार इस फील्ड के अंदर मैं तैयारी करूं क्योंकि आप फ्रेशर हो और फ्रेशर्स को ये इतना पता नहीं होता कोई तो बोलता है, तुम डेवलपमेंट में चले जाओ तो तुम लोग क्या होते हैं ना जावा पाइथन पाथोन शीशाप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको सीखने में लग जाते हो ठीक है सबको एक साथ में सीखना चाहिए आपको ना ऐसा आपकी सोच है ऐसा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको सिर्फ़ एक लैंग्वेज सीखनी है और जो हॉट टॉपिक पे जो लैंग्वेज है वो जावा प्रोग्रामिंग बाकी सारी लैंग्वेज इससे आसपास में घूमते हैं तो आप इजीली क्या होते हैं ना उसको सीख सकते हो तो ये डिसाइड करना है अब जिसको टेस्टिंग में जाना है उसको टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ना है सबसे पहले उसको मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि टेस्टिंग क्या होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को कैसे करते हैं तो उससे रिलेटेड आप जो आर्टिकल्स जितना पढ़ सकते हो वो पढ़ो उसके ट्यूटोरियल्स देखो और उसके नोट्स बनाओ अब जिसको नेटवर्किंग में जाना है वो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट की तैयारी करें जिसको मैनेजमेंट में जाना है जिसको बी बनना है या जिसको अब एच फैक्टर एच में जाना है तो उसको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी तो पहले आप ये डिसाइड करो कि मुझे डेवलपर में जाना है किस फील्ड के अंदर जाना है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो और उसके बाद में आप स्किल सीखना स्टार्ट करो दूसरा प्रेशर्स के लिए क्या होता है ना एप्टीट्यूड टेस्ट होता है मतलब बहुत सारी कंपनियां जो होती है ना वो एप्टीट्यूड टेस्ट करती हैं तो उन एप्टीट्यूड टेस्ट के आपके क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दूसरा है कि आपको अपनी जो संगत है मतलब अपना जो सर्किल है वो सही बनाना मैंने देखा है बैंग जब लोग मेट्रो सिटी के अंदर आते हैं ना तो एकदम ओपन हो जाते हैं फिर वो क्या होते हैं ना कि एक गलत डायरेक्शन के अंदर निकल जाते हैं और तो डायरेक्शन क्या है टाइम पास करना स्मोकिंग करना है ना बाहर घूमने चले जाना शाम को है ना किसी पब में चले जाना क्या कहते हैं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना या गप्पे मारने में लगे रहना ऐसा करोगे तो आपकी जॉब बिल्कुल नहीं लगने वाली चाहे तो आज छः महीने निकल गए आने वाला एक साल और निकल जाएगा जॉब नहीं लगेगी आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक ही रूल है कि आपको हमेशा स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा मतलब लर्निंग आपकी बहुत ज़रूरी है मैं खुद आज दस साल के एक्सपीरियंस पे खुद जो है मैं सीखता हूँ मैं लर्निंग करता हूँ सेल्फ लर्निंग हमेशा करता हूँ मैं रोज दो से तीन घंटे जो अपनी सेल्फ लर्निंग को देता हूँ अगर नहीं देता तो अगले दिन कवर करता हूँ उस दिन नहीं होता तो फिर मैं वीकेंड पे कवर करता हूँ और मैं कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ जो कि मार्केट में जो आई इंडस्ट्री के अंदर अभी चल रहा है क्योंकि आई इंडस्ट्री बहुत डायनेमिक है भाई एक ही चीज़ को सीख के बैठ गए तो आपका भला नहीं होने वाला है आपने स्किल सीख ली स्किल सीखने के बाद में आपको उसका रिज्यूमे जो है अच्छे से बना लेना है ठीक है रिज्यूमे बना के आपको क्या करना है ना नौकरी डॉट कॉम या कोई जॉब पोर्टल है उसके ऊपर अप्लाई कर देना पर टाइम पास नहीं करना आपको मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको टाइम पास नहीं करना है दूसरा डिप्रेशन के अंदर भी नहीं जाना आपको कि मेरी जॉब नहीं देखो एक जॉब में फेल हो गए कोई बात नहीं दूसरी जॉब में फेल हो गए कोई बात नहीं बहुत सारी एम एन सी कंपनी है भाई है ना जॉब आएंगी कॉल आएंगी पर एक कंपनी जो आपके लिए बनी है उसमें डेफिनेटली एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे और जब उसमें जॉब लगेगी तो वो जो मोमेंट होगा ना वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट होगा क्योंकि स्ट्रगल के बाद में जब कुछ मिलता है ना तो उसको पाने में बहुत आनंद आता है अब ये करने के लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है स्टडी करना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू की प्रिप्रेशन करनी बहुत ज़रूरी है नॉलेज और स्किल बहुत ज़रूरी है आईटी इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करने के लिए दूसरा होता है ना अपने टाइम को बचाओ ठीक है तीसरा होता ना सोशल मीडिया पे आप लोग क्या करते हो ना अपने आधे से ज़्यादा जो समय है वो सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड कर हो इंस्टाग्राम रील्स पे व्हाट्सअप पे या यूट्यूब के शोर्स देखने में अपने आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना वो स्पेंड कर देते हो और वहाँ पे अलग अलग वीडियो देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे लाइफ में करना क्या है भाई लाइफ में क्या करना है वो बाद में डिसाइड करना है पहले तुझे जॉब चाहिए अभी क्योंकि उधर से पिताजी पैसे भेजना बंद करने वाले हैं थोड़े दिन में अगर नहीं लगे तो घर पर बुला लेंगे फिर क्या करोगे फिर पकड़ के शादी करवा देंगे तो ऐसा नहीं करना है आपको जिस एक गोल सेट करना है गोल सेट करने के बाद में ही आपको जो है लाइफ में अचीवमेंट मिलेगा अगर आप यह सोच के आ रहे हो कि मैं इतनी भीड़ है मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी भाई जिसके अंदर स्किल है जिसमें दम है उसकी जॉब लग जाएगी जो सिंसियर है जो काम करने के लिए कैपेबल है उसकी जॉब लग जाएगी और जो सिर्फ ये देखने के लिए आ रहा है कि जखते हैं कि जॉब लगती है नहीं लगती है उनकी जॉब नहीं लगेगी भाई लाइन में बहुत सारे लोग हैं एक ओपनिंग के पीछे हजारों लोग अप्लाई करते हैं और इतनी ओपनिंग्स होती नहीं है एक ओपनिंग में एक ही बंदे को सेलेक्ट करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला हूँ कि आपको पहली चीज़ खुद पे भरोसा रखना है दूसरी कंटिन्यूटी रखनी है तीसरी डिप्रेशन में नहीं जाना है चौथी तो आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए और अपने आने वाले भविष्य पे भी ट्रस्ट होना चाहिए आपको मेहनत करते रहना है आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है अपना गोल सेट करके रखना है और उस गोल को लगातार दिन प्रतिदिन आपको क्या करना है उसको फेच करते रहना है एक दिन में कोई भी महान नहीं बनता है ठीक है धीरे धीरे छोटे, छोटे छोटे एफर्ट करेंगे तब जाके एक बड़ा एफर्ट बनेगा ऐसे ही आप छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार करेंगे फिर बड़े क्वेश्चंस तैयार करेंगे आज दो क्वेश्चंस तैयार किए फिर तीन करोगे कल कर, फिर पांच करोगे ऐसे कर करके आप क्या करोगे ना एक दिन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन के होंगे प्रिपेयर कर लोगे सारा खेल इंटरव्यू क्वेश्चन का ही है आई इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद में सब रिलैक्स है आपको काम दिया जाएगा काम सिखाया जाएगा नहीं आएगा तो पूछ सकते हो बहुत सारे हमारे जैसे लोग बैठे रहते हैं अंदर आने के बाद में सिर्फ काम करना है क्या आता है क्या नहीं आता है वो शेयर के लिए इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि कंपनी आपको ट्रेनिंग दे देती है लेकिन आपको इंटरव्यू क्लियर करना है क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है यह नहीं है कि इंटरव्यू क्लियर हो गया तो मैं मुझे आप पढ़ना ही नहीं है नहीं नहीं इंटरव्यू क्लियर हो जाने के बाद में भी आपको पढ़ना है जैसे आपकी जॉब लग जाएगी तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं होगी वहां पे टेस्टिंग डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा कौन क्योंकि आप बार बार में लोगों से जाके नहीं पूछ सकते हो क्योंकि सब लोग अपने काम में बिज़ी रहते हैं आई में बहुत वर्क रहता है काम बहुत ज़्यादा रहता है तो आप सबसे जाके पूछ नहीं सकते हो तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ना तो पड़ेगा तो एक स्टडी करने की आदत डालो चीज़ों को प्रिपेयर करो ठीक है अपने गोल की तरफ बढ़ो और पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ो ठीक है अपने टाइम को बचाओ सही डायरेक्शन में लगाओ अपने टाइम को इन्वेस्ट करो उसको वेस्ट मत करो सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूमर मत बनो कंटेंट क्रिएटर बनो ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा इसमें जो भी कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर मैं ऐसे ही आपके साथ में बैठ के डिस्कस करूँगा और डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलने वाली है ठीक है